अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में इस सेशन का टॉपिक है पंक्चुएशन जाहिर है जब हम बोलते हैं तो हम कोई आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है कोई इंटोनेशन होती है कोई केडन्स यानी उसका बहाव ऊपर नीचे होता है जिससे हमारे मानी हमारे सुनने वाले तक जाते हैं इसी तरह जब हम लिखते हैं और लिखे हुए कॉन्टेंट को वो भी इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज रोबोटिक उसको भी बिल्कुल फ्लैट टोन में नहीं होना चाहिए बल्कि उसका भी पढ़ने वाले को पता होना चाहिए कि कहाँ पे पॉज लेना है कहाँ पे सवाल का वो वो सवाल के तरीके से पढ़े जाना है कहाँ पर ज़रा ज़्यादा ज़ोरदार जज्बे से पढ़े जाना है तो ये सारी जो सपोर्ट मिलती है वो पंक्चुएशन से मिलती है हो सकता है पंक्चुएशन थोड़ा सा डल टॉपिक आपको लगे लेकिन पंक्चुएशन से बहुत सा रंग फीलिंग और इमोशंस ऐड हो सकती हैं आपके लिखे हुए में अगर आप इसको स्मार्टली यूज़ करेंगे और जैसे कोई भी चीज़ है इसका गलत या ओवर यूज़ जो है वो लिखे हुए को बोरिंग और अनप्रोफेशनल uh, बना देगा तो दिस इज़ आर टॉपिक ये एक सैम्पल सेंटेंस है आप इसको पढ़ के देखें दो डिफरेंट पंक्चुएशन के साथ जब इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है तो फिर ये पढ़ा जाएगा ओ माई गॉड इसमें शॉक हो सकता है या कोई एंजाइटी हो सकती है और इसी तरह अगर आप उसके बीच में फुल स्टॉप्स होंगे ओ माई और गॉड के तीनों लफ्ज़ों के बीच में फुल स्टॉप्स होंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा ओ माई गॉड इसमें सरप्राइज़ है पहले वाले में एंजाइटी थी और इसमें सरप्राइज़ है हो सकता है ये आप किसी चीज़ से मुतासर हो के भी कोई कहें कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगी है कि आप कहें ओ माई गॉड तो इस तरह जो पंक्चुएशन है उससे आप अपना मतलब और जो बोलने वाले उसके इमोशंस कन्वे कर सकते हैं बहुत डिफरेंट उनको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन पंक्चुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज तो फुल स्टॉप्स हैं और उसके बाद हैं कॉमा फुल स्टॉप का मतलब है कि यहाँ रुकें और आप सांस लें ब्रीद इन द मिडल एंड देन यू स्टार्ट द न्यू सेंटेंस कॉमा जो है वो एक छोटा सा स्टॉप है दैट इज़ ऑल्सो अ पॉज लेकिन एक वो छोटा पॉज है लेकिन उसको भी किसी जुमले में यूज़ करके जुमले को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि बहुत मेरा भी फेवरेट जुमला है और अक्सर ये कोट किया जाता है कि किताबों के ओपनिंग सेंटेंसेस जो बहुत अच्छे हैं उसमें से एक है चार्ल्स टिकिन्स की किताब अ टेल ऑफ टू सिटीज इसमें इतने सारे कॉमज उन्होंने यूज़ किए हैं इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इट वॉज द एज ऑफ विजडम इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस कॉन्ट्रास्ट देखें कितने सारे कॉन्ट्रास्ट चल रहे हैं इट वॉज द एपॉक ऑफ बिलीफ इट वॉज द एपॉक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी इट वॉज द सीज़न ऑफ लाइट इट वॉज़ द सीज़न ऑफ डार्कनेस तो ये कॉन्ट्रास्ट उन्होंने क्रिएट किया और ये कि ऑन गोइंग सेंटेंस है कॉमाज के साथ यानी इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और उसके बीच में उन्होंने फुल स्टॉप्स नहीं दिए इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल ये बात नहीं है कि आपकी मर्जी है कि इधर फुल स्टॉप लगा लो चाहे तो या कॉमा लगा लो द राइटर शुड नो एग्जैक्टली वाट इफ़ेक्ट एंड वॉट टोन ही वॉन्ट्स और शी वांट्स और उसके मुताबिक फिर वो फुल स्टॉप या कामे का इस्तेमाल करेंगे तो ये चार्ल्स डिकन्स ये इफेक्ट चाह रहे थे एंड राइटली सो so, क्योंकि दिस हैज़ बिन वेरी पॉपुलर एंड इज़ अ क्लासिक अच्छा उसके अलावा पॉजिज़ uh, एक और तरह की भी होती हैं देर इज़ कॉलिन जिसमें कि आप रुक के और कोई आगे जो आने वाली चीज़ें उसकी तरफ इशारा होता है जैसे कि हमने हेडिंग में भी लिखा हुआ है पंक्चुएशन मार्क्स के बाद कॉलिन है और फिर पॉजिज़ है और उसके नीचे एक और मिसाल है देर वॉज़ वन थिंग ऑन इज़ माइंड विनिंग द पाकिस्तान आइडल उसके जहन पर सिर्फ एक ही बात थी विनिंग द पाकिस्तान आइडल जो पहले कॉलन से पहले जो बात की है उसकी वजाहत या उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे मिली है तो ये उन दोनों चीज़ों का रिलेशनशिप ऐसे बनता है सेमी कॉलन इज़ ऑलमोस्ट द सेम लेकिन उसमें दोनों जो सेमी uh, कॉलन से पहले और बाद में चीज़ें उनका रिलेशनशिप ये नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है कुछ बाद में दी गई है उसमें से एक की तफसील दूसरे में नहीं है तो जैसे कि यू शुड वॉच वॉट यू ईट योर वेट गेन मे अफेक्ट योर हेल्थ इसमें फुल स्टॉप भी हो सकता था लेकिन क्योंकि वो थॉट कंटिन्यू कर रहा है तो सेमी कॉलन इज़ अ बेटर वे टू हेल्प द रीडर रीड इट द वे इट इज़ मेंट टू बी राइट इसके साथ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जो कि सवाल के आखिर में लिखे जाते हैं उससे भी उसके पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स अच्छा अब हम बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस और फेसबुक पे और ये सारी लैंग्वेज क्योंकि कॉमन हो गई है उसमें बहुत से इनफॉर्मल तरीक़ों से एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किए जा रहे हैं कई दफ़ा मल्टीपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं तीन डाल दिए चार डाल दिए ये इतना बेहतर तरीका नहीं है जब आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं अगर आपने शो करना है कि किसी ने कोई बात ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा गुस्से से ज़्यादा खुशी से किसी भी इमोशन की ज़्यादाती से कही है तो आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क उसके एंड पे लगाएं बाकी बात और बाकी जज्बात जो हैं वो उसके अल्फाज से वाजे होने चाहिए सारा कुछ आप तीन एक्सक्लेमेशन मार्क्स या पाँच एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल के काम नहीं चला सकते एलिप्स एलिपस जो है ये होते हैं ये तीन डॉट्स या कंटिन्यूएशन मार्क्स और ये भी तीन से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए बस तीन काफ़ी होते हैं इसके डिफरेंट uh, यूजेस होते हैं uh, एक तो यह कि अगर आपने कोई किसी और राइटर की कोई बात कोट की है और बीच में से उसके कोई वर्ड्स आपने स्किप करने हैं तो आप डॉट्स डाल के इंडिकेट करते हैं कि देर वर एडिशनल वर्ड्स हेयरऑल्सो बट यू आर नॉट यूजिंग दैम बिकॉज दे आर नॉट वॉट यू नीड आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है तो आप उसको स्किप करें एक मकसद ये होता है एक ये इसको एक और तरह का मूड और जुमले में कंटिन्यूटी भी क्रिएट करने के लिए होता है जैसे कि अगर आप एक जुमला हो आई हैव टू गो उसके आगे फुल स्टॉप है उसमें एक सर्टनिटी और डेफिनेटनेस है वो एक जो है हतमी बात किसी ने कर दी है आई हैव टू गो फुल स्टॉप और अगर आई हैव टू गो के आगे तीन डॉट्स लगे हों तो आई हैव टू गो इसका ये फीलिंग आती है जैसे कि वो अभी इसके बारे में सोच ही रहा है कैरेक्टर या उसके बारे में शायद इतना खुश नहीं है या उस पर अभी किसी उलझन का शिकार है तो इससे भी इमोशंस जो हैं वो पता लग सकते हैं इसी तरह अगर कोई कैरेक्टर ये बताना है कि वो आ, रो रहा है और रोते रोते बोल रहा है तो ज़ाहिर इंसान बीच में रुकता है सिसकी लेने के लिए या रोने के लिए तो वो भी इंडिकेट किया जा सकता है कि बीच में उसके जुमले को ब्रेक किया जाए और डॉट्स ये डाल के तो इससे भी बहुत से इमोशंस कम्युनिकेट हो सकते हैं तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिवाइस टू यूज़ एज वेल इसके अलावा पोस्टिफी पोस्टिफी का इस्तेमाल सबको पता है कि वो इट इज़ टू शो ओनरशिप लेकिन उसमें एक बहुत कॉमन एरर है विच आई वांट टू पॉइंट आउट और उसी के लिए मैंने पोस्टिफी को यहाँ शामिल भी किया है इट्स और इट्स जो है इट्स पोस्टिफी के साथ और इट्स पॉस्टिफी के बगैर कौन सी सूरतों में यूज़ किया जाता है इट्स जब पॉस्टिफी लगाते हैं तो वो इट इज़ शॉर्ट फॉर इट इज तो अगर आप नहीं, वो वाला इट्स लिखना है जो कि इट इज़ की जगह लिखा जा रहा है तो फिर आप पॉजिटिव ही एस लगाएंगे इट्स एन ऑनर टू मीट यू या आप इसको दूसरी तरह कह सकते थे इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू उस सूरत में पॉजिटिव ही आएगा अगर आपने कहना है पोजेशन शो करने के लिए तो उस वक्त पॉजिटिव ही नहीं आएगा द कैंगू सीम टू बी डांसिंग ऑन इट्स फीट इसमें जो है पॉजिटिव ही नहीं आएगा सो दिस इज़ समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ और यही छोटी छोटी गलतियाँ जो कि पढ़ने वाला जो आपका ये क्लाइंट है जो ऑनलाइन क्लाइंट है दे डोंट नो यू सो इफ़ दे सी दीज लिटिल एरर्स दैट इज़ वॉट गिवस दैम एन इम्प्रेशन इसी से वो आपके बारे में तसर क़ायम करेंगे कि यह शख्स प्रोफेशनल है नहीं है इसको ज़बान पर अबूर नहीं है हो सकता है इसने जो बात बाकी भी बातें या इन्फॉर्मेशन दी हैं पतनी रिलाईबल हैं कि नहीं सो दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर ऑल दीज लिटल थिंग्स स्पीच मार्क्स जब कोई शख्स बोल रहा हो उसको शो करने के लिए स्पीच मार्क्स यूज़ किए जाते हैं आपने देखे भी होंगे जब किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जब एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं तो फिर ये स्पीच मार्क्स लगाए जाते हैं द डे हैज़ नाउ कम शी एंथ्यूज एंथ्यूज का मतलब वो खुशी से बोली एंथ्यस्टिकली बोली और अगर एक शख्स दूसरे को अपनी स्पीच के अंदर कोट कर रहा है तो सिंगल इन्वर्टेड यूज़ होता है पहले वाले में देखिएगा दो कॉमे इन्वर्टेड कॉमा में और दूसरे वाले में फिर सिंगल कॉमा यूज़ होता है रिमेंबर द वार्निंग गाइज वेन दिस फ्लावर ब्लूम्स द वर्ल्ड विल कोलाइड तो जो वार्निंग है वो सिंगल इन्वर्टेड के अंदर है तो दीज़ आर ऑल लिटल थिंग्स टू बी माइंडफुल ऑफ उसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स में हाइफन है जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसके बीच में एक छोटा सा डैश होता है विच शोज़ दैट दे बिलोंग टुगेदर रियल और लाइफ के अलग अलग भी मतलब है लेकिन जब रियल लाइफ इकट्ठा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि असल लाइफ से मुतल पेरेंथिस यानी ब्रैकेट्स कई दफ़ा जुमले के बीच में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है वो किसी चीज़ के बारे में कोई इजाफी मालूम होती हैं जिसके बगैर भी वो बात मुकम्मल है लेकिन वो और जुमला अगर पढ़ा जाए तो फ्लो में ही पढ़ा जाएगा अगर ब्रैकेट्स वाली चीज़ को स्किप करके भी पढ़ें लेकिन वो ब्रैकेट्स को ही उसके बारे में एक एडिशनल चीज़ जो राइटर ऐड करना चाह रहा है या बताना चाह रहा है स्लैश भी इस तरह है, जैसे दो एक और उसका कोई मुतबाद लफ्स अगर है तो वो दोनों चीज़ें जो हैं स्लैश के इस तरफ और उस तरफ लिखी जा सकती हैं जैसे ही स्लैश शी या आ, गेम्स स्लैश स्पोर्ट्स जो मिलती जुलती चीज़ें यानी कि आइधर और इसमें से जो भी उस वक्त मौजूद है उसको आप उस मतलब में ले लिया जाए असाइनमेंट जाहिर है आपने नई चीज़ अगर सीखी है या आपको पहले से भी आती है आपको मज़ा आएगा कि अगर आप उसको खुद अप्लाई करें और यूज़ करें ठीक है आज की असाइनमेंट ये है इस सेशन के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप कोई एक ओपिनियन पीस अखबार में खबरें भी आती हैं लेकिन आपने खबर नहीं पढ़नी आप पढ़िए जो ओपिनियन पीसेज होते हैं यानी कि ओपेड हो गया या कोई अंदर वाले पेजेस में जो आ, आ, उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उन्होंने अपने ओपिनियन दिया होता है या तबसरा या एनालिसिस दिया होता है जो भी करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर वो आपने एक पढ़ना है किसी भी अखबार का और नोट करिए उनकी पंक्चुएशन उसको अंडरलाइन कर लें ले, पेन से निशान लगा लें सर्कल लगा लें और उसमें से कोई से थ्री सेंटेंसेस जिसमें आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल बड़ा पावरफुल लगा है कोई से ऐसे तीन सेंटेंसेस कॉपी करें हम चाहेंगे कि ये सेंटेंसेस सिर्फ फुल स्टॉप या कॉमे पे मबनी ना हो इसमें एटलीस्ट कोई और भी चीज़ हो तो फिर ये क्वालिफाई करेंगे कि भाई कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो क्योंकि कॉमा या फुल स्टॉप तो हर सेंटेंस में ऑलमोस्ट होता ही फुल स्टॉप तो सब में होता है कॉमा भी ऑलमोस्ट काफ़ी में होता है सो ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर पंक्चुएशन मार्क्स दैट हैव बीन है इंटरेस्टिंगली वो नोट करें और आई होप यू इंजॉय डूइंग दिस थैंक यू